हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो नेक्सॉन पेसलिप लेने का, तो आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपने इस कार से रिलेटेड सुने होंगे। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें सही है एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज इससे आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये कार प्लान कर रहे हो तो। सो गाइस, बिना डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले बात करता हूं उस फैक्ट के बारे में जो कि आपने सुना होगा इस कार से रिलेटेड, वो है इसका जो टू स्पोक डिजाइन दे रखा है स्टीयरिंग व्हील का, उसके बारे में। कई लोगों का मानना है कि इस टू स्पोक स्टीयरिंग डिजाइन के साथ ड्राइव करने में काफी डिफिकल्टीज होती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसका टू स्पोक डिजाइन है, देखने में तो काफी अच्छा लगता है, इसके साथ साथ आपको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं होती जब भी आप कार ड्राइव करो। काफी कन्वीनियंट है इसका स्टीयरिंग व्हील, अगर डिजाइन वाइज भी देखूंगा तो काफी अच्छा लगता है एंड चलाने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो ऐसा कोई भी इशू आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ नहीं आएगा। मैंने भी जितना इसको चलाया है, मुझे अभी तक बिल्कुल भी इशू फील नहीं हुआ है इसको स्टीयरिंग व्हील के साथ। एंड आई थिंक आप लोगों को भी कोई भी इशू नहीं आने वाला इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ। तो जो लोगों का कहना है कि स्टीयरिंग टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील थोड़ा डिफिकल्ट है हैंडल करने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही जल्दी आप इसके यूज टू हो जाते हो और काफी अच्छा लगता है देखने में भी, प्लस चलाने में भी काफी कन्वीनियंट है। तो ये जो बातें जो लोग बोलते हैं इसके बारे में, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड पॉइंट जो कई लोग रेस करते हैं वो रहता है इसकी हॉर्न प्लेसमेंट का। हॉर्न कई लोगों का कहना है कि हॉर्न प्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसमें, एंड काफी लॉन्ग प्रेस, काफी ज्यादा तेज प्रेस करना पड़ने पर ही इसका हॉर्न चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपके इसके हॉर्न को आप सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हो, बिल्कुल लाइट है, आप आराम से इसका इजिली हॉर्न प्रेस कर सकते हो। हाँ, आप जो लोग को पहले के नेक्सॉन में या पहले और जो यूजुअल पोजीशंस होती है हॉर्न की, वो आप स्टीयरिंग के साथ साथ पकड़े पकड़े आप दबा सकते हो, उसके लिए आपको इसमें हॉर्न प्रेस करने के लिए आपको स्टीयरिंग से हाथ हटाना पड़ता है। बट वो आप धीरे धीरे इसके भी यूज्ड हो जाते हो और कुछ बिल्कुल भी डिफिकल्टीज आपको फील नहीं होगी इसका हॉर्न प्रेस करते समय। काफी लाइट है, आप इजिली इसका हॉर्न प्रेस कर सकते हो, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आई है। अगर आप लोगों को आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी इशू इसके हॉर्न के साथ नहीं है। हाँ, हॉर्न का साउंड थोड़ा कम है, उसके लिए आप आफ्टर मार्केट कोई भी अच्छा हॉर्न इसमें करा सकते हो इंस्टॉल। नॉर्मली आजकल की जितनी भी कार्स आ रही है, सब में एक नॉर्मल साउंड का हॉर्न आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन यू कैन से दैट। तो ज्यादा ऐसा तेज हॉर्न किसी भी कार में आपको देखने को नहीं मिलता। ये चीज अगर आपको करानी है तो आप आफ्टर मार्केट इसको रिप्लेस करा सकते हो। मैंने अभी तक नहीं कराया, मुझे कोई इशू इसके हॉर्न के साथ आया भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को काफी सुनने में आता होगा वो है इसके ए पिलर से रिलेटेड, बिकॉज ए पिलर काफी थिक है इस कार में, तो कहते हैं लोग कि ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। मेरा मानना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इसके जो ए पिलर की जो थिकनेस है, जो ए और बी प्लेयर्स के जो है थिकनेस काफी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ए पिलर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, बिकॉज थिक है काफी प्लेयर इसके पिलर, तो उससे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। बट ये एक ऐसी चीज है, जब आप इस कार को चलाओगे लॉन्ग रन पे तो आप धीरे धीरे इसके यूज्ड हो जाओगे। बट हाँ, ये बात सही है कि वो एक हल्का ब्लाइंड स्पॉट जरूर क्रिएट करता है, तो आपको एडजस्ट होना पड़ता है पिलर के अकॉर्डिंग, अपने आपको एडजस्ट करके देखना पड़ता है उस चीज को। तो बट हाँ, ब्लाइंड स्पॉट तो ये क्रिएट करता है बिकॉज पिलर का साइज बहुत थिक है, बट ये जो थिकनेस है इसके पिलर की, ये कहीं ना कहीं इसको एक स्ट्रक्चरल सॉलिडनेस, एक स्ट्रक्चर में एक मजबूती देती है जो कि कार के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। बट हाँ, जो ब्लाइंड स्पॉट को लेके जो बातें हैं बोली जाती है इस कार के बारे में कि ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सुना होगा इस कार के बारे में वो है माइलेज को रिलेटेड। लोग कहते हैं कि यार माइलेज ये कम निकाल के देती है 9, 10, 11 के अराउंड सिटी में एंड 17, 18 के अराउंड माइलेज में हाईवेज में। तो गाइस, मेरा मानना है कि जो माइलेज होती है वो हम सब जानते हैं कि आपके ड्राइविंग हैबिट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, आप किस तरह से कार को ड्राइव करते हो।
तो उस हिसाब से आपके माइलेज में आपको वेरियंसेस दिखने को मिलेंगे, हर लोगों की ड्राइविंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनके माइलेज फिगर में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि पर्सनली जितना मैंने इसको कार चला को जो देखा है उसके अकॉर्डिंग सिटी में ये कार आपको, अगर आपके सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन हाई रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उस केस में ये आपको इन बिटवीन 12-14 के आसपास, या हो सकता है ज़्यादा ही ट्रैफिक हो तो 10-11-9 के आसपास भी माइलेज निकाल के देगा। तो ज़्यादा भी अच्छी माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कार से। मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप 16-17 की माइलेज आपको सिटी में दे देगी तो वो पॉसिबल नहीं है। बात रही हाईवे माइलेज की, तो हाईवे में ये कार आपको इजिली 19-20 की माइलेज निकाल के दे देती है। तो ये चीज़ें हैं इसके माइलेज से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इसमें जो हाइट एडजस्टमेंट का फीचर्स है वो इसके ऊपर अपर मॉडल्स पे आता है, तो नीचे के जो मॉडल्स हैं उसमें हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं कि विजिबिलिटी में कितना फर्क पड़ता है बिकॉज हाइट एडजस्टमेंट का फीचर आपको नीचे वाले मॉडल्स में नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप बेस मॉडल भी ले लो इस कार का, आपको जो विजिबिलिटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है बिकॉज इस कार की जो सेटिंग पोजीशन है ना वो ऑलरेडी बहुत हाई सेटिंग पोजीशन है, अपराइट स्टांस में आप बैठते हो तो विजिबिलिटी आपको पूरी मिलती है। तो मुझे ऐसा आपको भी नहीं फील होगा और मुझे भी नहीं हुआ कभी कि इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हाइट एडजस्टमेंट होगा तो आप और ज्यादा कमांडिंग पोजीशन ले सकते हो कार में, बट अभी भी जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है सीट की वो भी काफी अपराइट है और काफी हाई सिटिंग पोजीशन पे आप बैठते हो और आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है कार की, आपको सारे बोनट्स क्लियर नजर आते हैं। तो सिटिंग हाइट एडजस्टमेंट का फीचर ना होना बेस मॉडल में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है बिकॉज अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी इसकी नॉर्मल सिटिंग पोजीशन पे भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है इस कार के नॉइज एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड। कई लोगों का मानना है कि अब इस कार में नॉइज एंड वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो गया है एंड कार काफी ज्यादा साइलेंट हो चुकी है। एंड अगर मैं बात करूँ रियलिटी की, तो यार ये एक्सपेक्ट करना कि एक कार में बिल्कुल भी नॉइज एंड वाइब्रेशन नहीं है तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये भी पॉइंट मैं रेज करूंगा इस बात पे कि जो इसका कैबिन नॉइज है वो काफी हद तक कम हो चुका है। कैबिन नॉइज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस कार में, वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना के बराबर वाइब्रेशन है। कैबिन में बहुत साइलेंट हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग, बट बाहर आपको फिर भी वो साउंड अभी भी देखने को मिलेगा। तो NVH लेवल अभी भी है, कैबिन में थोड़ा कम है, बहुत ही कम है इनफैक्ट, बट बाहर वो आपको नॉइज एंड वाइब्रेशन फील होगा। तो अगर लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया है तो वो नहीं है गाइस, वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा एंड स्पेशली बाहर ज्यादा मिलेगा, अंदर काफी हद तक कैबिन साइलेंट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है एंड काफी लोग जानना चाहते हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा बिकॉज बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं इस बारे में, बट आज मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं। कई लोगों का मानना है कि बेस मॉडल से, जैसे कि आपको सबको बताए कि नेक्सॉन में अब 6 गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं आता, तो कई लोग जानना चाहते हैं कि ये कार कैसा परफॉर्म कर रही है बिकॉज 1 गियर कम हो चुका है ट्रांसमिशन से, तो अब इसका कोई कार पे इम्पैक्ट तो नहीं है, मतलब बेस मॉडल में आपको क्या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट मिलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सिटी में आपको वो 6 गियर की कमी नहीं फील होगी बिकॉज ऑब्वियसली 6 गियर की कमी, आप ज़्यादा हाई स्पीड पे आपको वो यूज़ में आता है एंड इतना हाई स्पीड मुझे नहीं लगता आपको सिटी में मिलता है चांस चलाने का, तो सिटी में तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा वो 6 गियर की कमी। बट हाँ, हाईवे में अगर मैं बात करूँ तो जब आप एक सर्टेन स्पीड के बाद इसको चलाओगे, जैसे कि अगर आप इसको 130+ चला रहे हो, तो उस केस में 120-130 के बीच में आपको वो 6 गियर की कमी जरूर फील होगी और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके माइलेज पे भी इम्पैक्ट डालेगी। अगर 6 गियर का ऑप्शन आपके पास रहता बेस मॉडल से, तो ये थोड़ा ज़्यादा और फ्यूल एफिशिएंट हो जाती एंड थोड़ा ज़्यादा और आपको मज़ा आता इस कार को चलाने में। हाँ, हाईवेज में डेफिनेटली आपको वो 6 गियर की कमी थोड़ी फील होगी अगर आप ऐसे हाईवे पे चल रहे हो जहाँ पे आपकी कार नॉर्मली आप 120-130-140 के अराउंड चला रहे हो। अगर आप नॉर्मल इसको 100-110 के आसपास चलाओगे तो आई डोंट थिंक सो आपको वो 6 गियर की कमी फील होगी। तो गाइस
यही थी कुछ फैक्ट्स जो इस कार के बारे में थे, एंड आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ इस कार से रिलेटेड। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इस कार को लेने का, तो ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।